कंटिन्यू करते हैं। मैथ्स का हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर कर चुके हैं, तो जो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं वो मैथ्स का 3rd चैप्टर है। 3rd चैप्टर का जो नेम है वो है डेसिमल। फ्रैक्शन के बाद डेसिमल मैं आपको इसलिए पढ़ाऊंगी क्योंकि फ्रैक्शन और डेसिमल का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। सपोज आपने फ्रैक्शन में लिखा 3/10, अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हो 3/10, तो 3/10 को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 0.3। दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, मीन्स ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जितने भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं वो हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप बोलो जो डेसिमल फॉर्म में है उसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग पहले आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि फ्रैक्शन और डेसिमल एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, आप किस डिजिट को कैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को किस तरीके से डेसिमल में लिख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल। सपोज आपके पास क्वेश्चन है 0.34, आपको इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, जब भी आपके पास डेसिमल का फॉर्म आता है यू हैव 0.34, पॉइंट के बाद जब भी कोई डिजिट होती है तो हम इसे 0.34 नहीं बोलेंगे, डेसिमल के बाद उस डिजिट को स्प्लिट करके बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे 0.34। हमने यहाँ लिखा 0.34, आपको इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में करना है, दैट मीन्स एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। आप इस डिजिट को एज इट इज लिखेंगे 0.34। किसी भी डिजिट के पहले 0 आता है तो 0 की वैल्यू नहीं होती, लेकिन यहाँ डेसिमल से पहले 0 लगाता है इसकी वैल्यू है। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप बस ये देखो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आते हैं, कितने डिजिट्स इसमें है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पे अपॉन में 2 0 लेंगे, 2 0 के साथ 1 लिखेंगे, दैट मीन्स वो 100 बन जाएगा। और जो ये 0 है आप उसको बाद में रद्द कर सकते हो क्योंकि जो डेसिमल था जब हम उसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 0 बन गए, दैट मीन्स 3 और 4 2 डिजिट है तो 2 0 लगाए, 1 हम उसके साथ लगाएंगे क्योंकि अगर मैं 1 ना ही लगाऊं तो इसका कोई वैल्यू नहीं बनता, इसलिए हमें 1 लगाना है। और ये है 3 4 अपॉन में 0 लिखे या ना लिखे, 0 लिखेंगे तो भी इसकी वैल्यू नहीं है 0 की, और अगर हम ना लिखे तो भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इस फ्रैक्शन को मैं आपको डेसिमल में बताऊंगी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर से हमेशा न्यूमरेटर डिवाइड होता है, 100 के टेबल में 34 नहीं आता तो 0 लेंगे, 0 0 दोनों में 0 आएगा, दैट मीन्स 3 4 0 ही हो गया। अब पॉइंट लगाएंगे, 100 के टेबल में 340 तो नहीं आता, 300 आता है, 100 3 300 अगेन 4 लाइक दिस। तो हम इस फॉर्म को, मैंने आपको ये भी दिखाया कि फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं और डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी इससे रिलेटेड मैं कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों के साथ करूँगी। तो ये था डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट होती है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे फ्रैक्शन को डेसिमल में करना। अगर आपके पास था 39 अपॉन 10, अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई डिजिट लिखी है आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 39 लिखोगे। और ये देखो कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो 0 लिखा है वो कितने डिजिट्स है, 0 कितना है, 1, 0 से फेक बार है, तो आपने जो 39 लिखा है राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाएंगे 1 डिजिट 9, तो 1 डिजिट को छोड़ के हम उससे पहले 0 पॉइंट लगाएंगे, दैट मीन्स डेसिमल। तो 39/10 इज
डिजिट्स नहीं हैं, कोई और डिजिट है, तो हम उसमें कैसे फ्रैक्शन में बना सकते हैं, उस डिजिट को कैसे हम फ्रैक्शन में बना सकते हैं, तो उसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ करूंगी। उसका एग्जांपल है ओके तो एग्जांपल हम लोग लेंगे 4/25। अगर आपसे बोला जाए इस तरीके के डिजिट्स मैंने सॉल्व कर बना करें, अगर हम बोले कि 4/24 को आपको डेसिमल में करना है, बहुत सिंपल है, आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। 25 बाहर आएगा बिकॉज ये डिनोमिनेटर है और 4 अंदर आएगा। 25 के टेबल में 4 नहीं आता, 0 पॉइंट, अगेन 0, डेसिमल फॉर्म में लिखा है वो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में